कौन लेगा टेस्ट में पंत की जगह, कौन करेगा पंत की भरपाई, इन्हें मिल सकता है मौका। 30 दिसंबर की सुबह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का भयानक एक्सीडेंट हुआ। आपको बता दें कि ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे और इस दौरान उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि उनकी चोट इतनी ज़्यादा है कि आने वाले कई महीनों तक ऋषभ पंत शायद क्रिकेट के मैदान से दूर रहें। लेकिन ऋषभ पंत के क्रिकेट के मैदान से दूर रहने की वजह से टीम इंडिया को बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि फरवरी मार्च महीने में भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ गवस्कर बॉर्डर सीरीज खेलनी है। ये टेस्ट सीरीज फरवरी के बीच में शुरू होगी और मार्च के मध्य में जाकर ख़त्म होगी। टीम इंडिया को इस दौरान 4 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि पंत इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या भारत के पास ऐसा कोई विकेटकीपर बल्लेबाज है जो ऋषभ पंत की जगह ले सकता है। इसमें KS भरत सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत के अलावा लगातार KS भरत टीम इंडिया के साथ हैं। टीम इंडिया के साथ KS भरत हर सीरीज में दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घरेलू मैदान पर KS भरत जैसा बैट्समैन टीम इंडिया के लिए वैल्यूबल साबित हो सकता है, इसीलिए KS भरत को लगातार टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह दी जा रही है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि KS भरत को ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर मैदान पर उतारा जाए? भारत के पास यूं तो वाइट बॉल क्रिकेट में विकेटकीपर बैट्समैन का भरमार लगा हुआ है, लेकिन जब बात रेड बॉल क्रिकेट की आती है तो शायद टीम इंडिया इसमें इतनी सौभाग्यशाली नहीं है। आपको बता दें कि KS भरत के अलावा संजू सैमसन को भी टेस्ट में ट्राई किया जा सकता है। रणजी ट्रॉफी में संजू सैमसन ने तेज पारियां खेली और लाल गेंद से संजू सैमसन तेजी से रन बनाने में भी सक्षम है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि ऋषभ पंत जितने दिन के लिए टीम इंडिया से दूर रहे उतने दिन तक सभी खिलाड़ियों को आजमा के देखा जाए? ये वक्त बताएगा कि क्या ऋषभ पंत आने वाले 1.5 महीनों में ठीक हो पाते हैं या फिर उनकी जगह पर टीम इंडिया को एक बार फिर से विकेट कीपर का टेस्ट करना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 1 इंडिया के साथ।